तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच 3 ओडीआई मैचों की सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला 21 जुलाई सैटरडे को शाम 7 बजे यानी कि 7 PM पर स्टार्ट होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस के कैसिंगटन के ओवल के मैदान पर खेलना होगा। तो टीम इंडिया दूसरा वनडे जीत के साथ ही शुरुआत करना चाहेगी, तो वेस्ट इंडीज की टीम भी जीत के साथ ही शुरुआत करना चाहेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज को इससे पहले ओडीआई में हार झेलनी पड़ी थी, तो टीम इंडिया को खतरनाक जीत हासिल हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट्स, वर्ल्ड टीम प्लेइंग 11, मैच प्रिडिक्शन यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, पहले बात कर दो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड। हालांकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर दो, अब तक दोनों टीमों के बीच टोटल 141 मुकाबला भी खेला गया है। इसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने 63 मुकाबले में बाजी मारी है, तो इंडिया की टीम ने 71 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है। हालांकि 2 मैच बराबर बराबर पर खत्म हुआ है, तो 4 मैच का कोई रिजल्ट यानी कि कोई परिणाम भी नहीं निकला था। तो फ्रेंड्स, अब बात करें तो पिच रिपोर्ट्स की, हालांकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच यह मुकाबला बारबाडोस के सिंगटन के ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। बारबाडोस के कैसिंगटन के ओवल में जब पिछले साल न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जब सीरीज खेली गई थी तो काफी लो स्कोरिंग भी देखने को मिले थे। हालांकि इस पिच पर तेज गेंदबाज को काफी बॉल बाला हो रहने वाला है, टॉस जीतकर इस पिच पर सभी टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस पिच पर रन चेस करना सभी टीम के लिए काफी आसान होता है। इसलिए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहिए। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। हालांकि पहले बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11, तो पहले नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पर शुभमन गिल, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, पांचवे नंबर पर वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, छठवे नंबर पर संजू सैमसन विकेट कीपर, 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, 9वें नंबर पर मुकेश कुमार, 10वें नंबर पर कुलदीप यादव, 11वें नंबर पर उमरान मलिक। तो यह फ्रेंड्स टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि बारबाडोस कैसिंगटन के ओवल के मैदान पर वेस्ट इंडीज टीम का सामना करने उतरेगी 29 जुलाई सैटरडे को शाम 7 बजे यानी कि 7 PM पर टीम इंडिया। अब वही फ्रेंड्स बात कर दो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11, तो पहले नंबर पर साई होप कैप्टन प्लस विकेट कीपर, दूसरे नंबर पर ब्रेडन किंग, तीसरे नंबर पर काइल मेयर्स, चौथे नंबर पर किसी कार्टी, पांचवे नंबर पर सिमरन हटमायर, छठवे नंबर पर रोमन पावेल, सातवे नंबर पर रोमरियो सेफर्ड, आठवे नंबर पर ओसाने थॉमस, नौवे नंबर पर अलजहरी जोसेफ, दसवे नंबर पर केविन सिक्लेयर, तो ग्यारहवे नंबर पर यानी कैरियर। तो यह फ्रेंड्स टीम वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 जो कि टीम इंडिया का सामना करने उतरेगी मैदान पर। अब वही फ्रेंड्स बात कर दो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच प्रोडक्शन की बात कर दो, हालांकि दोनों टीमों के बीच यह कड़ाके की टक्कर होने वाली है। हालांकि दोनों टीमों के आंकड़े भी देखा जाए तो टोटल 141 मुकाबला खेला गया है, हालांकि इसमें टीम इंडिया की पल्ला भी भारी नजर आ रहा।
तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। हालांकि इसमें हमारी तरफ से टीम इंडिया को जीतने की ज्यादा चांस है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।